क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड। आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपको नंबर दिए गए हैं, कहीं आपको 10 से, कहीं आपको 100 से, कहीं आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। देखेंगे इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, आपका जब भी 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई होता है, बहुत ही इजी माना जाता है उसे। कैसे इजी माना जाता है कि जैसे ही आपको अगर एक जीरो होता है, तो ये देखिए यहां पर 10 है, तो 1 पॉइंट ये इसको हटा देगा, अभी आपका पॉइंट यहां से हट जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आपके 30 है, तो यहां पर 2 अंक बाद ही पॉइंट है, तो आपका एक जीरो और बढ़ जाएगा। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं अभी आपको सॉल्यूशन करके पूरा समझाता हूं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ही को मैं अगर देख लूं, मैंने आपसे बोला था पॉइंट को भूल जाइए, तो ये आपका 13 हुआ। 13 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे पॉइंट के बाद आपका 1 डिजिट है, तो यहां पर भी 1 लग जाएगा, मींस ये आपका सिंपल सा बन जाएगा 30, ठीक है। इसको देखेंगे, पॉइंट को भूल जाइए, 368 का अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 6380 है, तो 0 आ जाएगा आपका। इसके बाद 1 डिजिट है, तो आप यहां पर 1 लगा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, आप 0 लगाइए अथवा नहीं लगाइए। तो ये तो मैंने आपको दो क्वेश्चन समझाए, यहां पर पॉइंट के साथ मैंने 0 लगा दिया। अब आपको डायरेक्ट करना है, कैसे इसका देखेंगे। तो 1537 ये 0 है, 0 यहां पर लगा तो दूंगा, लेकिन पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो वहीं पर आपका आ जाएगा, मींस यहां पर 0 लगाने से कोई फायदा नहीं है, आपका सिंपल सा यही आंसर आ जाएगा। इसमें देखेंगे, आप पॉइंट को भूल जाइए, इसका मल्टीप्लाई पहले आप इसमें करिए, 16807 और ये 0 आपका एक और है, ये आपका बन जाएगा। देखेंगे पॉइंट के बाद आपका 12, तो पॉइंट के बाद 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आगे देखेंगे 31.1 × 100, पॉइंट को भूल जाइए, 31100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद आपका 1 डिजिट है, तो 1 बार लग जाएगा, तो ये आपका 3110 आपका हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 इसको हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें देखेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई करिए 1561, ये 00 इसको लगाइएगा, पॉइंट के बाद 1 है, तो आप यहां पर लगा दीजिए 1 डिजिट के बाद, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा, सिंपल सा आपका इतना बचेगा। इसमें देखेंगे 3620 है ना, इन्हें 00 लगा दिया, पॉइंट के बाद 212, तो 12 आपका यहां लग जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं 43070, यहां पर देखिए पॉइंट के बाद 1 और 2, तो 1 और 2 आपका कहां लग जाएगा, यहां पर लग जाएगा। इसमें देखेंगे 5 का इसमें करेंगे 10 का, तो 50 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहां पर 1 बार लगा देंगे, तो आपका 5 बन जाएगा। इसमें देखेंगे 0.08 है ना, तो इसमें सिर्फ 8 लेंगे, 8 × 10 आपका देखिए 80 बनेगा। इसमें देखेंगे तो 1 और 2, तो 1 और 2 यहां लग जाएगा आपका। इसमें देखेंगे 9 × 100 900, इसके बाद देखेंगे 1 है, तो 1 बार लगा देंगे आप, यहां पर लग जाएगा 90 हो जाएगा ये। इसमें देखेंगे 3 है, 3 के साथ 30, और इसके बाद देखेंगे 12 2 डिजिट, तो 12 आपका यहां लग जाएगा, ठीक है। आपका सारे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गए। पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में हम लोग डेसिमल को पुट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व हुए। क्वेश्चन नंबर 4 का लेकर आऊंगा। ऑल द बेस्ट।